एक खिलाड़ी जिसने एक साथ तोड़ डाले सचिन और आफरीदी के रिकॉर्ड, एक खिलाड़ी जो नेपाल की क्रिकेट की उम्मीद है, नेपाल का सचिन तेंदुलकर है, नेपाल का विराट कोहली है, नेपाल के क्रिकेट फैंस के दिलों में राज करता है। उसने नेपाल को लड़ना सिखाया, उसने नेपाल को जीत का यकीन दिलाया, क्रिकेट टीम को दुर्दिनों से उबारा। ऐसे वक्त में जब पूरी टीम बिखरी हुई थी, टीम के कप्तान संदीप लामिछाने पर बलात्कार का आरोप लग गया था, उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ गया, अचानक टीम की कमान एक ऐसे युवा खिलाड़ी के हाथ में आ गई जिसे नेपाल का भविष्य कहा जाता है। नाम था रोहित पौडेल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम अब नहीं रहा, उनका यह रिकॉर्ड नेपाल के बल्लेबाज रोहित पौडेल ने तोड़ दिया था। महज 16 साल 146 दिन की उम्र में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 55 रन की पारी खेलकर रोहित पौडेल ने रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 213 दिन की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ 59 रन की पारी 1989 में खेली थी, हालांकि वो टेस्ट मैच था। रोहित पौडेल ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड जो कभी शाहिद आफरीदी के नाम था उसे भी तोड़ दिया। जिस क्लास के साथ रोहित ने बल्लेबाजी की उसने बता दिया कि वह भविष्य का स्टार क्रिकेटर बनेगा। रोहित पौडेल ने 2018 में नीदरलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैच खेलते हुए नेपाली राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया था। उस वक्त राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने वाले वो चौथे सबसे कम उम्र के नेपाली खिलाड़ी थे। पौडेल अपने डेब्यू के समय सिर्फ 15 साल 335 दिन के थे। वो अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में पदार्पण करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए। रोहित पौडेल के पास एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में नेपाली खिलाड़ी के रूप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ पौडेल ने 107 गेंदों में 7 चौके 4 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 126 रन बनाए। रोहित पौडेल जब मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं तो सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि टीम के खिलाड़ियों को भी एहसास रहता है कि रोहित हैं तो मुमकिन है। रोहित पौडेल ने बहुत कम उम्र में खिलाड़ियों में वो भरोसा जगाया, आखिरकार वर्ल्ड कप क्वालिफायर करने की दहलीज पर आ गया नेपाल। आज रोहित पौडेल ने टीम को एकजुट कर दिया है, टीम एकजुटता के साथ अपना परफॉर्म कर रही है। एक नहीं बल्कि कई कई बल्लेबाज ऐसे हैं जो मैच जिताऊ बन गए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रोहित पौडेल। पीछे मुड़कर देखने में यकीन नहीं करते बल्कि आगे चलने में यकीन करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों के अंदर जो जज्बा, जो यकीन पैदा किया है कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।